में कोई परिवर्तन होता है, कोई उसमें रिफ्लेक्शन होता है, तो ये प्रोजेक्ट बजने लगेगा। देखिए ऐसे रिफ्लेक्शन करेंगे तो ये बजेगा, और रिफ्लेक्शन नहीं करेंगे तो नहीं बजेगा। ये घर है, पेड़ है, ये बज रहा है, आवाज आ रही है। सारे वर्कर्स के प्रोजेक्ट के आपके लिए, इनके लिए, रिक्शा के लिए तालियां बजाएं। 2 महीनों तक बहुत मेहनत करी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल वर्किंग प्रोजेक्ट है। 10 लोगों को बताया गया है, अभी हम आग नहीं लगा सकते हैं, परंतु आप देखिए यदि यहाँ पर आग लगाई जाती है तो तुरंत इसमें से आवाज आने लगेगी। मैंने कुछ को बताया भी है टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, यदि यहाँ पर आप आग लगाएंगे तो निश्चित रूप से इसमें से आवाज आएगी, और थोड़ी बहुत आग लगने पर ही आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में आग लगने वाली है। तो ये तीनों ही बेस्ट प्रोजेक्ट का नाम दिया था मैंने इन तीनों को, क्योंकि दिस इज रियली प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट, इट वर्क्स ऑन द आइडिया, इट हेल्प्स इन डेली लाइफ। सेव करने वाला ये बनाया है उषा राठौड़, उषा राठौड़ एंड वर्षा राठौड़ दोनों ने बनाया था। इनका माइंड देखिए आप, मैंने केवल आइडिया दिया था, कुछ सुधार करवाया। ये प्रोजेक्ट है स्मोक ऑब्जर्वर। आज हम हर समय हर वक्त धुएं से परेशान हैं। यदि ये जो आप देख रहे हैं ये जो हॉल्स हैं, यदि यहाँ पर कोई धुआं आता है, अभी हम अगरबत्ती जला नहीं सकते, अगरबत्ती वगैरह कुछ जला के बताएंगे आपको, जो भी धुआं रहेगा यहाँ से तुरंत खींच लिया जाएगा और इस नली के माध्यम से दूसरी ओर निकाल दिया जाएगा। ये स्मोक ऑब्जर्वर है, आप अपने घर में रख सकते हैं, जहाँ भी चूल्हा जलता है या धुआं होता है, निश्चित रूप से आपके घर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ऐसी जहरीली गैसें आपके घर से निकाल के खिड़की से बाहर कर देगा। दीज आर स्मॉल प्रोजेक्ट, बट इफ वी क्रिएट इट ऑन द हायर स्केल लेवल, देन वी कैन डेफिनेटली क्रिएट सम हेल्पफुल प्रोजेक्ट। तो एक खिलौना है, मैं आपको बता दूंगा, मैंने कुछ को बताया, यहाँ पर ऊपर से आप सिक्का डालेंगे, नीचे से एटीएम डालेंगे, तो वो सिक्का बाहर आ जाएगा। जब तक आप एटीएम नहीं डालेंगे जब तक सिक्का बाहर नहीं आएगा। हम एक्सपेरिमेंट बाद में करके बता देंगे आपको, समय नहीं है। आपके घरों में जो कंप्यूटर है, टीवी है, जहाँ पर धूल अंदर तक चली जाती है और हमारी झाड़ू साफ नहीं कर पाती, इसको आप लगा दीजिए अंदर। ये चार्जर है, इसके साथ चार्ज कीजिए, चार्जर के साथ ये करेंट अंदर मोटर लगा रखी है, ऑब्जर्वर लगा रखा है, पूरा जो धूल मिट्टी है वो पूरा ऑब्जर्व कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा ये। इसको बोलते हैं डस्ट एब्जॉर्वर, मतलब वैक्यूम क्लीनर, पूरा वैक्यूम। दूसरा पंखा लगा सकते हैं आप चार्जर से कनेक्ट करके इसको, ये हमारे भावना ने बनाया है, भावना के लिए ताली। मुशर्रफ और साज दोनों ने मिलकर बनाई, और राजेंद्र, चारों ने मिलकर ये ट्रेन बनाई है। इसमें बहुत समय लगा, अभी भी इसमें काम करना बाकी है हम लोगों को। हम ये चाहते हैं कि ये जो ट्रेन है ये पटरी पर ये चलेगी, और इसका ये जो हमने सोचा था कि मोटर लगा के इसको ऊपर नीचे रिमोट से करेंगे और रिमोट से इसको चलाएंगे, तो अभी और भी वर्क बाकी है। टोटल लोहे की ट्रेन है ये, आप इसमें बैठ के कहीं भी जा सकते हैं, मेट्रो ट्रेन है ये। तालियां बजा दें मुशर्रफ के लिए। मैक्सिमम टाइम एब्सेंट रहा, साइंस के लिए उसके माइंड में इतना ज्यादा क्यूरियोसिटी था कि उसने घर पे इस चीज को बनाया। मुशर्रफ जो कि मैक्सिमम टाइम एब्सेंट रहता है, ऐसे बच्चे जो एब्सेंट है जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो भी साइंस में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। यही साइंटिफिक सोच हम डेवलप करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से इस कार्यक्रम को ग्रहण करें, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे अंकुर शर्मा सर को, जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत इंटरेस्ट लिया। आज डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैडम के ना होने के बावजूद उन्होंने हमें अनुमति दी, उसके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ उनका, बहुत बहुत धन्यवाद। साइंस डे, मुझे आई होप दिस साइंस स्मॉल इवेंट्स ऑफ साइंस विल डेफिनेटली क्रिएट अ साइंटिफिक थिंकिंग इन योर माइंड, एंड यू विल डेफिनेटली बिकम वर्क ऑन द फील्ड ऑफ साइंस। थैंक यू वेरी मच।